कॉमर्स कंपनी अमेज़न दुनिया भर में अपनी सबसे बड़ी छंटनी के तहत भारत में लगभग 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से अमेज़न के भारत में 1 लाख कर्मचारी हैं और इस फैसले से देश के 1% कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में 8,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। दुनिया भर में 8,000 नौकरियों को खत्म करने का फैसला भारत में लगभग 1,000 कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। अमेज़न इंडिया के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी के ब्लॉग लिंक को शेयर किया, जहां उन्होंने दुनिया भर में 18,000 नौकरियों को खत्म करने के कंपनी के फैसले की जानकारी दी। जेसी ने कहा कि हम सिर्फ 18,000 से अधिक पोजीशंस को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। कई टीमें प्रभावित हैं, हालांकि अधिकांश भूमिकाएं हमारे अमेज़न स्टोर्स और पीएक्सटी संगठनों में हैं। 31 दिसंबर 2021 तक अमेज़न ने लगभग 16,08,000 पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी नियुक्त किए। अमेज़न ने उपकरणों और पुस्तकों के व्यवसायों में कई पदों को खत्म करने का फैसला किया और एक्सपीरियंस और टेक ऑर्गेनाइजेशन संगठन में कुछ कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफर की भी घोषणा की है। अमेज़न इंडिया भी चल रही आर्थिक मंदी के कारण भारत में विभिन्न उत्पादों और विभागों को कम कर रहा है। दिसंबर 2022 में अमेज़न ने इसे शुरू करने के 2 साल बाद अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को बंद कर दिया। अमेज़न ने भारत में मई 2020 में बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में खाद्य वितरण व्यवसाय शुरू किया था और बाद में पूरे शहर में सेवा का विस्तार किया, लेकिन इसने कभी भी प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं किया। अपने फूड डिलीवरी कारोबार व्यवसाय के अलावा अमेज़न ने नवंबर 2022 में भारत में अपने एडटेक प्लेटफॉर्म को भी बंद कर दिया।